नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे प्यारे प्यारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों के ही प्यार और मदद की वजह से आज मैं इस जगह पर हूँ। और आगे भी मैं अपने सारे दोस्तों से यही उम्मीद रखती हूँ कि वो अपने प्यार और सपोर्ट से मुझे और आगे बढ़ने में मदद करेंगे और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखेंगे। जिनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं नवीन शर्मा जी, संजू शर्मा जी, रूबी जी, अमित जी, नंद किशोर जी, आप सबको दिल से धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को सुनकर हम सबको ये एहसास होगा कि माँ एक कोई आम शब्द नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शब्द है। अगर मैं कहूँ तो भगवान से पहले माँ ही आती है। और ये बात पर शायद आप सब भी मेरे साथ अग्री करेंगे। माँ जो कि हमें भगवान के बनाने के बाद इस दुनिया में लाती है, हमें जीवन देती है, हमें हर कुछ करना सिखाती है। माँ कोई आम शब्द नहीं और माँ एक ऐसी शक्ति है जिसका उदाहरण इस कहानी से आप सबको मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की तरफ। आज की कहानी है श्रद्धा की। श्रद्धा जो कि बचपन से ही बिना माँ के पली बड़ी थी। श्रद्धा की माँ की मृत्यु उसे जन्म देते वक्त ही हो गई थी और श्रद्धा अपने पिता के साथ माँ और बाप दोनों का प्यार पा रही थी। श्रद्धा के घर में और भी लोग थे, उसके परिवार में काफ़ी सारे लोग थे क्योंकि उसकी जॉइंट फैमिली थी। लेकिन एक समय तक, उस समय के बाद श्रद्धा के पिता श्रद्धा को लेकर अपने उस परिवार से अलग हो गए। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी मरी हुई पत्नी से भी बे इंतहा प्यार करते थे। श्रद्धा के जन्म के बाद जब उसकी माँ की मृत्यु हुई, तब श्रद्धा के घर वाले, मतलब उसके दादी दादा, चाची चाचा, बाकी सारे लोगों ने उसके पिता के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया उनकी दूसरी शादी के लिए। सबका ये कहना था कि बिना माँ की बच्ची को बड़ा करना काफ़ी मुश्किल होता है और तुम्हारी उम्र भी अब ज़्यादा नहीं है और तुम्हें भी कोई जीवन साथी तो चाहिए ही होगा। लेकिन श्रद्धा के पिता इस बात के साफ खिलाफ थे। उनका कहना था, मेरी पत्नी इस दुनिया से गई है लेकिन मेरे दिल से नहीं। मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। मेरी पत्नी अपनी निशानी मेरे साथ छोड़कर गई है। मैं उसे किसी अनजान के हाथों में बिल्कुल नहीं सौंप सकता। क्या पता वो मेरी बच्ची के साथ कैसा व्यवहार करे। सबने बहुत समझाने की कोशिश की कि हम सब हैं, हम सब देख लेंगे, लेकिन तुम दूसरी शादी कर लो। आखिरकार श्रद्धा के पिता ने श्रद्धा के 4 साल के होने पर ये फैसला ले ही लिया कि अब उन्हें अपनी बेटी को लेकर अलग हो जाना चाहिए। वो अपने घर वालों से लड़कर अलग नहीं हुए, उन्होंने बहाना बनाया कि उनको किसी दूसरे शहर में ज़्यादा अच्छे डेजिग्नेशन की, ज़्यादा अच्छे सैलरी की जॉब मिल रही है और वो शहर यहाँ से काफ़ी बड़ा है, तो श्रद्धा के पढ़ाई लिखाई के लिए भी वो जगह ज़्यादा बेहतर होगी। घर वाले कहीं ना कहीं सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन श्रद्धा के पिता के बातों के आगे वो सब कुछ नहीं कर पाए। आखिरकार वो दोनों बाप बेटी एक दूसरे अनजान शहर में जाकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर चुके थे। श्रद्धा के पिता को
श्रद्धा को संभालने के लिए काफी मुश्किलें आ रही थीं, लेकिन उन्होंने एक नैनी, एक गवर्नेस या फिर एक आया, आप जो कहना चाहें कह सकते हैं, उसे रख लिया। जब वो ऑफिस में रहते तब वो उसका ख्याल रखा करती थी। वो आया भी काफ़ी अच्छी थी। वो श्रद्धा का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। श्रद्धा देखते ही देखते 6 साल की हो चुकी थी। 2 साल कहाँ और कैसे बीत गए, श्रद्धा और उसके पिता किसी को भी समझ में नहीं आया। अब श्रद्धा स्कूल भी जाने लगी थी। सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। श्रद्धा की उम्र अब 6 साल की हो चुकी थी। श्रद्धा का आज 6 साल पूरा होने के बाद 7वां साल लगने वाला था। और श्रद्धा का बर्थडे उसके पिता हर साल काफ़ी धूमधाम से मनाया करते थे। उसे इस बात का कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि तुम्हारे जन्मदिन के ही दिन मैंने अपनी जीवन संगिनी को खोया है। उसको इस बात का पता तो था, लेकिन उसके पिता उस दिन अफसोस नहीं मनाया करते थे। जो भी चीज़ें उन्हें अपनी पत्नी के लिए करनी होती थी, वो पूजा के माध्यम से दिन में कर लिया करते थे और शाम के वक्त श्रद्धा का बहुत ही ग्रैंड तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आज श्रद्धा का बर्थडे मना कर ख़त्म हो चुका था। अब पिता और बेटी दोनों एक साथ हंसी मजाक कर रहे थे, रोज़ की तरह। श्रद्धा अपने पिता के बगल में लेटकर उनसे बहुत सारी बातें कर रही थी, जैसे कि वो हमेशा किया करती थी। दिन भर की हर छोटी बड़ी बात वो अपने पिता को बताया करती थी। श्रद्धा ने आज अपने पिता को ये भी बताया कि वो अपनी दोस्त को बुलाने के लिए उसके घर गई थी, लेकिन श्रद्धा काफ़ी छोटी थी। वो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में अनजान थी। वैसे तो वो बच्ची थी, लेकिन हम जैसे बड़े लोग भी कई बार इन चीज़ों से अनजान ही रहते हैं। श्रद्धा काफ़ी खूबसूरत थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उसके नैन, नक्श, रंग रूप, सब कुछ बिल्कुल उसकी माँ की तरह था। श्रद्धा आज रात जब सोई, तब अचानक श्रद्धा को कुछ अजीब सा अपने कमरे में महसूस हो रहा था। श्रद्धा को काफ़ी डर लग रहा था। श्रद्धा वैसे तो काफ़ी बहादुर लड़की थी। वो बचपन से ही अकेले कमरे में सोया करती थी, तब से जब से उसने अपना होश संभाला था। लेकिन आज श्रद्धा को अपने कमरे में काफ़ी डर लग रहा था। खिड़कियां खुली थीं, हवा तेज़ तेज़ चल रही थी, पर्दे लगातार उड़ रहे थे, खिड़कियां बार बार हवा से ठाए ठाए की आवाज़ कर रही थी। और ये आवाज़ सुनकर श्रद्धा की नींद खुल गई। श्रद्धा उठी खिड़की को बंद करने के लिए। श्रद्धा जैसे ही उठी और खिड़की के पास पहुंची, उसने जैसे ही खिड़की को हाथ लगाया, उसकी नज़र नीचे गई और उसने देखा कि वहाँ पर एक औरत खड़ी है। वो औरत अजीब तरीके से श्रद्धा को देख रही थी। वो औरत काफ़ी अजीब सी दिख रही थी, या फिर यूं कहूं कि भयानक सी दिख रही थी। वो सामान्य औरत की तरह तो लग ही नहीं रही थी। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं, जो कि लाल रंग की थीं। श्रद्धा ये देखकर डर गई। उसके मुंह से अचानक चीख निकल गई और श्रद्धा ने जैसे ही चीखा, वैसे ही तुरंत उसके पिता उठकर उसके पास उसके कमरे में भागते हुए पहुँच आए। और उन्होंने आते ही श्रद्धा को सबसे पहले अपने गले से लगाया। श्रद्धा डर के मारे कांप रही थी। श्रद्धा के पिता ने श्रद्धा को जैसे तैसे शांत किया और उससे जानने की कोशिश की कि क्या हुआ, वो ऐसे चीखी क्यों। श्रद्धा ने डरते डरते खिड़की की तरफ इशारा किया। श्रद्धा के पिता खिड़की के पास पहुँचे।
उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उन्होंने श्रद्धा को समझाया, लेकिन श्रद्धा इतना ज़्यादा डर गई थी कि वो अभी कुछ बताने के हालत में थी ही नहीं। उसके पिता ने उसे शांत कराया और अपने साथ अपने कमरे में लेकर चले गए। उन्होंने श्रद्धा को बड़े प्यार से आज अपने साथ सोने को कहा और अपने बगल में लिटा लिया। वो श्रद्धा को धीरे धीरे सुलाने की कोशिश करने लगे। श्रद्धा को थोड़ी ही देर में नींद आ गई और अगले दिन सुबह श्रद्धा उठी, तब भी उसे रात को देखा हुआ वो मंजर, वो औरत अच्छी तरीके से याद थी। श्रद्धा डरी हुई तो थी, लेकिन उसने अपने डर पर काबू किया और वो सामान्य दिन की तरह तैयार हुई और स्कूल के लिए चली गई। आज श्रद्धा स्कूल से जब लौटी, तब उसकी आया उसको लेने के लिए वक्त पर बस स्टॉप पर नहीं पहुंच पाई। किसी काम में फंसे रहने की वजह से उसे 5 मिनट की ही देरी हुई होगी। श्रद्धा बस स्टॉप से उतरकर अकेले ही घर की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि बस स्टॉप से घर ज़्यादा दूरी पर था भी नहीं, मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर उसका घर था। वो भी 10 मिनट की दूरी अगर आप कहें तो सोसाइटी में चलते हुए आने का वो रास्ता था। वो सोसाइटी के बाहर ही बस से उतर जाया करती थी और सोसाइटी काफ़ी बड़ी होने की वजह से 10 मिनट तक बिल्डिंग के बगल से चलकर आने के बाद वो अपनी बिल्डिंग तक पहुंचा करती थी। श्रद्धा उसी रास्ते से आ रही थी, तभी अचानक श्रद्धा ने वहां सोसाइटी के गार्डन की तरफ देखा। वहां एक पेड़ के पास उसे वही औरत दिखाई दी। रात में उसका चेहरा साफ साफ तो नहीं देख पाई थी, लेकिन आज दिन की रोशनी में श्रद्धा ने उसका चेहरा बिल्कुल साफ साफ देखा और वो काफ़ी भयानक थी। उसका चेहरा पूरी तरह से काला था, पूरे चेहरे में अजीब से भयानक से गड्ढे थे और कुछ गड्ढों में अजीब तरह की मवाद या फिर सफ़ेद कीड़े भरे हुए थे, जो कि उसके चेहरे पर बहकर निकले हुए थे या फिर रेंगकर, और उसकी आंखें उसी तरह लाल लाल अभी भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। श्रद्धा ने उसे देखा, जोर से चीखी और वो डर के मारे वहीं ज़मीन पर बेहोश होकर गिर गई। तब तक उसकी आया उसके पास पहुंच चुकी थी। उसने श्रद्धा को गोद में उठाया और वो तुरंत श्रद्धा को लेकर घर पर आ चुकी थी। श्रद्धा काफ़ी देर तक वैसे ही बेहोश रही। आखिरकार आया ने थक हार कर उसके पिता को भी फ़ोन किया और डॉक्टर को भी। थोड़ी ही देर में डॉक्टर और पिता दोनों पहुंच चुके थे। डॉक्टर ने चेक किया, श्रद्धा बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने ये कहा, हो सकता है गर्मी की वजह से या फिर थकावट की वजह से वो बेहोश हो गई है, आप उसे ये एनर्जी ड्रिंक होश में आने के बाद पिला दीजिए, सब कुछ ठीक है। वो वहाँ से कहकर चले गए। लेकिन श्रद्धा को इस तरह से उसके पिता ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें श्रद्धा की काफ़ी चिंता हो रही थी और श्रद्धा अब जैसे तैसे होश में आई। श्रद्धा होश में आते ही अपने पिता को देखकर उनसे लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। काफ़ी देर तक रोने के बाद उसने अपने पिता को रात की घटना और अभी सुबह की घटना दोनों बता दी। उसके पिता इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो इस सोसाइटी में काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, फिर आज अगर श्रद्धा के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो औरत कौन है, वो कहाँ से आई, उसे कभी भी उन्होंने सोसाइटी में देखा ही नहीं है, ना ही उस आया ने, तो फिर वो औरत कौन है। आखिरकार पिता अपनी बेटी से इतना ज़्यादा प्यार करते थे,
कि वो उन बातों को ना मानते हुए भी सच मान रहे थे। वो आज पूरे दिन श्रद्धा के साथ ही बैठे रहे। आया भी दिन भर अपना काम खत्म करके शाम में चली गई और पिता अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे हमेशा की तरह। श्रद्धा आज तैयार ही नहीं थी अपने कमरे में जाने और सोने के लिए। पिता ने भी श्रद्धा को बिल्कुल किसी बात के लिए कोई जोर नहीं दिया। वो आज भी श्रद्धा को लेकर अपने साथ अपने कमरे में ही सोए और अगले दिन श्रद्धा उठी, लेकिन श्रद्धा को काफ़ी डर लग रहा था। श्रद्धा आज स्कूल जाने को तैयार नहीं थी। श्रद्धा ने स्कूल जाने से साफ साफ मना कर दिया। श्रद्धा ने कहा, पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो भयानक आंटी मुझे फिर से दिखेंगी, वो कौन है, वो मुझे ही क्यों दिखती हैं। और उसके पिता ने श्रद्धा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन श्रद्धा भी अपने ज़िद पर अड़ी हुई थी। श्रद्धा पढ़ने में बहुत अच्छी थी, वो स्कूल जाना काफ़ी पसंद करती थी, लेकिन श्रद्धा आज पहली बार स्कूल जाने से मना कर रही थी। और श्रद्धा की तबीयत के साथ वैसा पिछले दिन होने की वजह से श्रद्धा के पिता ने बिल्कुल भी जोर नहीं दिया कि वो स्कूल जाए, और उन्होंने भी आज ऑफिस से छुट्टी ले ली और वो दिन भर श्रद्धा के ही साथ रहे। उन्होंने श्रद्धा को लेकर बाहर घूमने जाने की भी कोशिश की ताकि उसका थोड़ा मन बहल सके, लेकिन श्रद्धा ने घर से निकलने से ही साफ साफ इनकार कर दिया। और श्रद्धा चुपचाप अपने पिता के ही कमरे में दिन भर पड़ी रही। श्रद्धा कुछ भी कर ही नहीं रही थी, ना तो वो पढ़ रही थी, ना वो ढंग से खाना खा रही थी, ना ही वो आज अपने पिता से हमेशा की तरह बहुत सारी बातें कर रही थी। श्रद्धा को इतना शांत, इतना उदास देखना उसके पिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो क्या कर सकते थे। आया और श्रद्धा के पिता दोनों ने बहुत कोशिश की श्रद्धा को नॉर्मल करने की, लेकिन वो श्रद्धा को नॉर्मल कर ही नहीं पा रहे थे। श्रद्धा काफ़ी डरी हुई थी, काफ़ी घबराई हुई थी, और श्रद्धा यहाँ तक कि वॉशरूम भी अकेले नहीं जाना चाहती थी। श्रद्धा आज नहाने को भी तैयार नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे श्रद्धा ने हिम्मत की और वो नहाने के लिए बाथरूम में गई। उसने जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और आंखें बंद करके शार के नीचे खड़ी हुई, श्रद्धा को फिर से वही औरत अपने बाथरूम के अंदर नज़र आई और श्रद्धा जोर जोर से चीखने लगी। श्रद्धा को तभी ऐसा दिखाई दिया जैसे उस औरत को किसी हाथ ने पकड़कर दीवार के अंदर खींच लिया हो। श्रद्धा और ज़्यादा डर गई, वो जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी, और बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। पिता और आया दोनों आकर लगातार दरवाजे को बजा रहे थे। श्रद्धा ने दरवाज़ा नहीं खोला। श्रद्धा वहीं एक कोने में दुबक कर खड़ी थी। आखिरकार श्रद्धा के पिता ने दरवाज़ा तोड़ दिया और श्रद्धा को बाथरूम से बाहर निकाला। श्रद्धा ने फिर से अपने पिता को सारी बातें बताई। ये सारी बातें वो आया भी सुन रही थी। उसने कहा, सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। पिता ने तुरंत कहा, हाँ कहिए ना। उसने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे बेबी के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, या फिर बेबी को नज़र लग गई है। नज़र तो मैंने कल उतारी थी, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आप अगर मेरी बात माने तो यहीं पास में एक मंदिर है, बेबी को उस मंदिर में लेकर चलते हैं। पंडित जी अगर ऐसा कुछ होगा तो वो हमें देखकर बता देंगे और वो इसका उपाय भी बताएंगे। श्रद्धा के पिता इन बातों में बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी से इतना ज़्यादा प्यार था कि उन्होंने श्रद्धा के लिए ये भी करने का तय किया, क्योंकि वो अपनी बेटी की ऐसी हालत
बिल्कुल नहीं देख सकते थे। इतनी छोटी बच्ची जो कि इतनी नटखट, इतनी चुलबुली थी, वो इन तीन दिनों में लग रहा था जैसे सूख कर काटा हुए जा रही थी। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे वो पता नहीं कितने दिनों से कितनी बीमार है। श्रद्धा के पिता ने ये तय किया कि वो दोनों मंदिर जाएंगे और वो सब तैयार होकर मंदिर पहुंच गए। मंदिर में पहुंचते ही वहां पर तुरंत आया ने जाकर पंडित जी को सारी बातें डिटेल में बता दी। पंडित जी तुरंत श्रद्धा के पास आए। उन्होंने श्रद्धा के सर पर हाथ रखा, अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए आंखें खोली और उन्होंने श्रद्धा के पिता की तरफ देखते हुए कहा, आप चिंता क्यों करते हैं? बच्ची के साथ परेशानी है, लेकिन बच्ची के साथ उसकी माँ भी है। ये बात सुनते ही श्रद्धा के पिता ने आंखें बड़ी करके पंडित जी की तरफ देखा और आया ने तुरंत ही जवाब दिया, पंडित जी माफ़ कीजिएगा, इसकी माँ बचपन से ही। इतना कहते ही पंडित जी ने उस आया की बात को काटा और उस बात को पूरा किया। मुझे पता है कि उसकी माँ का देहांत उसे जन्म देते वक्त ही हो गया था, लेकिन उसकी माँ ने अपनी बच्ची का मोह कभी नहीं छोड़ा, ना ही उसका साथ छोड़ा। वो अपनी बच्ची से बचपन से ही जुड़ी हुई है और इस चीज़ में बढ़ावा दिया इन्होंने। ये कहकर उन्होंने श्रद्धा के पिता की तरफ हाथ दिखाया। उन्होंने बात को पूरी करते हुए कहा, आपने अपनी पत्नी के लिए दूसरी शादी कभी नहीं की, आप आज भी अपनी पत्नी से वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसे कि आप उसके जीवित रहते उससे जुड़े थे, और इस वजह से आपकी पत्नी की आत्मा काफ़ी शक्तिशाली हो चुकी है। एक तो बेटी का मोह, दूसरा पति का प्यार, वो इस दुनिया से कभी मुक्त हुई ही नहीं, वो आप दोनों के साथ आजीवन रहना चाहती है। इस वजह से इस बच्ची पर जो परेशानी आ सकती थी वो परेशानी पूरी तरह से बच्ची पर हावी हो ही नहीं पाई। उसकी माँ ने उसकी मदद आज भी की है, श्रद्धा ने अपनी माँ को भी देखा है, लेकिन श्रद्धा उसे पहचान नहीं पाई। ये सारी बातें श्रद्धा सुन तो रही थी, लेकिन श्रद्धा कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। तब पंडित जी ने बात को पूरा करते हुए कहा, आज श्रद्धा जब नहाने गई थी तब उसे वही शैतानी आत्मा आपके घर के अंदर, आपके बाथरूम के अंदर दिखाई दी, और उसने ये भी देखा कि दो हाथों ने आकर उस बुरी शक्ति को दीवार के अंदर समाहित करवा दिया। वो हाथ किसी और के नहीं, इसके खुद के माँ के थे, और वो आत्मा काफ़ी शक्तिशाली है, वो आपकी बेटी को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। ये सारी बातें सुनकर अब कहीं ना कहीं श्रद्धा के पिता को पंडित जी की बातों पर भरोसा हो गया और उन्होंने आगे जानने की कोशिश की। उन्होंने उनसे सवाल किया, पंडित जी मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो उस जगह पर बहुत समय से रह रहे हैं, फिर अभी मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे हुआ? क्या रीज़न है इन चीज़ों का? पंडित जी ने बताया, ये जिस दिन अपने जन्मदिन वाले दिन अपनी एक दोस्त को बुलाने के लिए कहीं जा रही थी, तब इसने रास्ते में एक ऐसे टोटके पर पैर रखा जो टोटका काफ़ी शक्तिशाली था, और वो टोटका खास करके इसीलिए वहाँ पर रखा गया था ताकि उस पर किसी का पैर पड़े और वो बला किसी और पर चली जाए। वो और कोई नहीं, आपकी बेटी ही थी जिसका पैर सबसे पहले उस टोटके पर पड़ा। वो इन सब चीज़ों से अनजान थी, इस वजह से वो आत्मा, वो बुरी शक्ति इसके साथ लग गई, और वो जैसी शक्ति है उसे पहले भी
तीन शरीरों से निकाल कर अलग किया गया है। इस वजह से वो काफी क्रोधित है। वो इस बार हर हाल में अपने शिकार को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जिस शरीर को धारण कर रही है उस शरीर के साथ उसकी माँ की शक्तियाँ पहले से जुड़ी हुई हैं, और इस वजह से वो इसे लगातार कोशिश करने के बाद भी अपने साथ नहीं ले जा पाई। वो उसी दिन, मतलब इसके जन्मदिन वाले दिन ही इसे अपने साथ लेकर चली जाती। वो जितनी क्रोधित और शक्तिशाली आत्मा थी, वो सिर्फ और सिर्फ इसे अपने साथ ले जाने के लिए ही इससे जुड़ी थी। लेकिन ये अभी तक सुरक्षित है तो सिर्फ और सिर्फ इसकी माँ की वजह से। ये सारी बातें सुनकर पिता कहीं ना कहीं डर भी रहे थे, और उन्हें खुशी भी थी कि उनकी प्यारी पत्नी और श्रद्धा की माँ आज भी उनके साथ ही है। उन्होंने तुरंत ही पंडित जी से ये कहा, ठीक है, मेरी पत्नी है, वो इसे बचा रही है, लेकिन ऐसी चीज़ों से मेरी बच्ची को मुक्त कीजिए। पंडित जी ने कहा, तुम उस बात की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं अभी ही इसका उपाय किए देता हूँ, और इसके लिए एक ऐसा कवच भी बनाता हूँ जिससे कि ऐसी कोई भी नकारात्मक शक्ति अब इसके आसपास कभी नहीं आ पाएगी। लेकिन तुम इस बात के लिए भी तैयार हो जाओ कि हो सकता है इस कवच के बाद तुम्हारी पत्नी भी अपनी बेटी के आसपास ना आ सके। इस बात को सुनकर पिता ने तुरंत कहा, लेकिन पंडित जी, आपने तो कहा नकारात्मक शक्ति, और मेरी पत्नी तो कोई नकारात्मक शक्ति है ही नहीं। फिर पंडित जी ने समझाते हुए कहा, बेटा ऐसा नहीं होता है। जो भी लोग मर चुके हैं, इस दुनिया से उनका शरीर नष्ट हो चुका है, अगर वो आत्मा रूप में हैं, तो वो नकारात्मक शक्ति में ही गिने जाते हैं। इस बात को सुनकर श्रद्धा के पिता को काफी अजीब लगा। वो अब कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि उन्हें ये करना चाहिए या नहीं। लेकिन पंडित जी ने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ, ये होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। तुम सबसे पहले अपनी बेटी की सुरक्षा पर ध्यान दो। अब पिता को भी ये बात सही लगी, और उन्होंने इस उपाय को करने के लिए पंडित जी से कहा। पंडित जी ने तुरंत ही वो उपाय शुरू किया, और 15 मिनट के बाद उन्होंने माता रानी के चरणों से छुआ कर एक तावीज लाकर श्रद्धा के गले में पहना दिया। वो तावीज पहनते ही श्रद्धा ज़मीन पर गिर गई। श्रद्धा ऐसे ज़मीन पर गिरी जैसे कि उसके अंदर, उसके ऊपर कोई बहुत भारी चीज़ रखी हुई थी, और वो चीज़ एक झटके से हटी, जिसके वजह से श्रद्धा अपना बैलेंस बना नहीं पाई और वो ज़मीन पर गिर गई। पिता ने तुरंत ही अपनी बेटी को संभाल लिया। पंडित जी ने कहा, इसका असर अभी से शुरू हो गया है, लेकिन आप अपनी बेटी को आज से रोज दुर्गा कवच का पाठ करना सिखाएं, और 7 नवरात्रे में आपको कन्या भोजन कराना पड़ेगा। श्रद्धा के पिता ने हर चीज़ के लिए हामी भरी, और वो वहाँ से अपने घर आ चुके थे। श्रद्धा आज काफ़ी समय के बाद चैन की नींद सोई, लेकिन आज भी उसके पिता ने उसे अकेले कमरे में बिल्कुल नहीं छोड़ा। श्रद्धा की नींद आज रात में एक बार भी नहीं खुली, और आज जब उसके पिता सोए, तब पहली बार उनके सपने में उनकी पत्नी आई, और उनकी पत्नी बार बार अपने पति की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, और वो लग रहा था जैसे अपने पति को कुछ बोलना चाहती है, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी।
अगले दिन सुबह उठकर श्रद्धा काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उसने अपने पिता को रोज़ की तरह आज बैठकर सारी बातें बताना शुरू की। श्रद्धा ने भी बिल्कुल वही बताया जो कि उसके पिता ने पिछली रात महसूस किया था। लेकिन श्रद्धा ने ये भी बताया कि माँ ने कहा है कि वो हमेशा हमारे साथ ही रहेगी और माँ आज भी यहीं इसी घर में है। उसके बाद श्रद्धा की ज़िंदगी में ऐसी कभी कोई परेशानी नहीं आई। श्रद्धा हमेशा उसके बाद से सिर्फ अपने पिता से नहीं अपनी माता से भी सारी बातें बिल्कुल वैसे ही किया करती थी जैसे कि वो पहले अपने पापा से किया करती थी। और श्रद्धा को ऐसा आज भी महसूस होता है कि उसके साथ उसकी माँ है जो कि उसे हर मुसीबत से हमेशा दूर रखती है और हर परेशानी से लड़ने की ताकत देती है। क्योंकि श्रद्धा को अक्सर कुछ भी चीज़ गलत होने से पहले उन चीज़ों का अब आभास हो जाया करता है, या फिर यूं कहूं कि श्रद्धा की माँ उसे आने वाले हर परेशानी की चेतावनी पहले ही दे दिया करती है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुझे आप सबके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।